आज हम करेंगे 9.7 एक्सरसाइज। ये बुक है सरस्वती कंप्रेहेंसिव मैथ्स पार्ट 4, क्लास 4 की बुक है, ठीक है ना। इसमें हम क्या सीखेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसके एडिशन सीखेंगे, जोड़। ये पहला क्वेश्चन है, 9 होल 3/8, ये 9 मिक्स्ड 3/8 या 9 सही 3/8 प्लस 7 मिक्स्ड 5/8, मतलब इसके पास 9 रोटी पूरी हैं और एक रोटी के इसने 8 पीस किए, 8 पीस में से 3 पीस खाए। इसके पास 7 रोटी पूरी हैं और एक रोटी के 8 पीस के कितने पीस खाए, 5। तो इनको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने का तरीका एक ये भी है कि हम जो, क्योंकि ये पूरी पूरी रोटी है, ये 9 और 7, इसको एक साथ जोड़ दें तो 9 और 7 कितना हो जाता है, 16। और हॉर कितना है इसमें, देखो यहाँ 8 है, दोनों 8 के बदले हम 1 8 लिखेंगे और ऊपर का हम जोड़ देंगे 5 और 3 8, तो 8/8 आया। तो 2/2, 3/3, 8/8, 9/9, इन सब का मान होता है 1। तो इसका मतलब इसका मान 1 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1। तो हम 16 में 1 प्लस कर देंगे, 17 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ध्यान से देखो, आपको जो समझ में आता है आप उसी तरीके से करिएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, इसका जो मिक्स्ड वाला है इसको बदल देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था विषम भिन्न में बदलने का तरीका, किसी को याद है क्या बोला था, नीचे का भाग ऊपर, नहीं भाग नहीं गुणा, इसका मल्टीपल, इसका 9 8 72, 8 नंबर बहुत होता है कि नहीं, अब इसके ऊपर जोड़ जोड़ ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 75 75, और अपॉन 8 वैसे रहेगा, प्लस इसको भी हम वैसे करेंगे, 8 7 56, अब प्लस 5, फिर 56 में प्लस 5 करेंगे तो 61 61 होता है कि नहीं। आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। और नीचे 8, अब हमने क्या करना है, दोनों 8 के बदले 1 8, ऊपर ऊपर का ऐड कर दो, तो 5 में 1 ऐड किया तो 6, और 6 और 7 30। अब इतना आंसर आ गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, विषम भिन्न है। तो मैंने क्या बोला था, जब विषम भिन्न में कोई आंसर आता तो हम उसको कैसे क्या करते हैं, वेरी गुड, नीचे वाले से डिवाइड करते ऊपर वाले, तो 8 1 8 13 में करेंगे ना पहले, तो ये 3 के नीचे लिखेंगे 8, अब माइनस करेंगे तो 13 में से 8 माइनस हो गया, कितना बचा, 5 बचा, और यहाँ 6, 8 7 56 होता है, 8 7 56, तो देखो आंसर 17 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ कुछ नहीं लिखते भैया, ऊपर तो 0 हो गया ना, 0/8 का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो 0 बचा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल 17। तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा 17 आया था, यहाँ पे 17, ठीक है, जोड़ते हैं तो ये 4 और 3 कितने हो गए, 7, और यहाँ नीचे दोनों 6 के बदले क्या लिखेंगे, और वहाँ 5 और 3 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसे जोड़ने वाले में क्या हो रहा है कि फिर इसको आगे इसमें जोड़ो, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ज्यादा बढ़िया क्या है कि आप इस ऐसे मेथड से करो कि पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो, किसमें बदलना है, तो 6 3 18 18 में 5 ऐड करो, 23/6 प्लस 6 4 कितना होता है, 6 6 24, 27/6। अब देखो दोनों 6 के बदले हम 1 6 लिखो, और यहाँ हम जोड़ देंगे इसको, 7 3 10 0 carry on 1 2 2 4 5। अब देखो ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 50 भाग देंगे ना, डिवाइड करना मतलब ना, तो 6 8 48 होता है, 6 48 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो हम क्या करते हैं, ये 2 ऊपर लिखते हैं और ये वाला 6 नीचे। अब देखो यहाँ 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 3 6, तो आंसर आ गया 8 mixed 1/3, 8 सही 1/3 आंसर आया। तो इसको भी हम ऐसे ही मिक्स करेंगे, 9 4 36 9 6 36, अब 1 जोड़ ऐड करके
37 अपॉन 9 प्लस 9 5 जा 45 9 5 जा 45 आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं, अब 1 और ऐड किया तो 46 अपॉन 9 प्लस 9 6 जा 9 6 का 54 और 1 55 अपॉन 9। अब देखो तीनों 9 के बदले एक ही 9 है, अब इन तीनों को जोड़ दो, यहीं पे जोड़ सकते हैं। तो देखो पहले इकाई इकाई जोड़ना, वंस वंस 5 में हम 6 ऐड करेंगे फिर 7, तो 6 और 5 11 और 7 जोड़ 18 का 8 हो गया। कैरी ऑन 1, कैरी ऑन का मतलब हासिल। अब 5 में हम 4 जोड़ेंगे, 5 में 4 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और कैरी ऑन 1 जोड़ा तो 30, इतना हो गया। फिर ये कौन सी फ्रैक्शन बन गए, विषम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 3 8 को हम डिवाइड करेंगे, तो देखो 9 1 9 13 में दिया हमने पहले, यहाँ बचा 4 अर्थात 48 हुआ, तो 9 5 45 9 5 45 हुआ। अब यहाँ 3 बच गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लाइन मारेंगे, 3 ऊपर लिख देंगे और ये 9 नीचे। अभी देखो 3 9 का ट्रेंड, 3 1 3 3 3 9, तो ये कितना आंसर आ गया, 15 4 1 upon 3 आंसर आ गया, 15 सही 1/3। समझ में आ गया जी, इसको सीधा इसके साथ जोड़ दो, 11 11 22 हो गया। अब क्योंकि इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 22 × 11 करना पड़ेगा, तो इसको ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है, इसको हम इसी विधि से करेंगे, 11 11 11 को जोड़ देंगे, तो 11 3 जा 33 हो गया, जोड़ के 33 होगा कि नहीं होगा। इनको हमने अलग जोड़ दिया, और यहाँ देखो ये दोनों 18 के बदले एक 18, और यहाँ 7 17 में 7 जोड़ो तो 24। अब इसमें हमने ये प्लस करना है, तो देखो ये प्लस कैसे होगा, यहाँ नीचे बड़ा है ऊपर छोटा, कौन अभी देखो ये कट रहा है, किस कौन से संख्या है जिससे डिवाइड हो रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 24। अब देखो फिर भी ये हो गया 33 होल अब 4/3, लेकिन आगे तो ये फिर वही विषम रूप इम्प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे फिर 4, 3 1 3 तो यहाँ 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1 ऊपर ये 3 नीचे, तो इसका मतलब ये 33 में ये 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 1 भी होल है ना, ये 33 भी होल है, पूरा है ये, 1 भी पूरा है, तो 33 और 1 34 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर 4/3 की जगह क्या हो जाएगा 1/3। नहीं समझे, यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदलते तो बहुत बड़ा गुणा हो रहा था, कठिन हो रहा था सवाल, तो हमने क्या किया इन सबको जोड़ दिया, क्या 33 हो गया। अब इसको हमने अलग जोड़ा, तो ये इतना आया, हमने काटा तो 4/3 आया, 4/3, तो चूंकि 4/3 क्या थी, विषम भिन्न थी, हमने इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला, मिश्र भिन्न में बदला, तो एक सही 1/3 आया, तो एक तो पूरा है, यहाँ 33 हमारे पास पूरा है, 33, तो 33 में हमने 1 प्लस किया 34, और यहाँ पे 4/3 की जगह पे कितना बचा 1/3, तो समझ में आया कुछ। इसको देखिए, इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 7 5 35 और 35 और 3 38 होता है, 38/5 प्लस 3 2 6 और 1 7 7/2। अब देखिए यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो मैंने क्या बोला था बराबर करने के लिए, हम या तो 2 का 5 बनाए, लेकिन 2 से 5 बन ही नहीं सकता जी, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है, तो बड़ा का पार आ, तो हम बड़े वाले की टेबल बोलेंगे 5 1 5 5 2 10, तो देखो 10 में इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी 10 बनाना पड़ेगा, इसका भी 10, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा, 2, तो ऊपर भी हम 2 से करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 2 8 16, कैरी ऑन 1 2 3 6 7 हो गया, और यहाँ 5 2 10 हो गया, प्लस 7 5 35 हो गया,
और नीचे 10 हो गया। अब सरल नीचे बराबर हो गए तो अब हम जोड़ सकते हैं, नीचे दोनों 10 के बदले 10, ऊपर ऊपर को जोड़ेंगे तो 6 में 5 ऐड के 11 का हुआ। अब देखो तो विषम भिन्न जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 111, तो 10 1 जा 10 ही होगा, पहले 11 में देंगे फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 10 1 जा 10, अब फिर यहाँ माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन मारी, ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 10 नीचे, तो आंसर आ गया हमारा 11 मिक्स्ड 1 अपॉन 10, 11 सही 1/10 आंसर। तो देखेंगे इसके भी नीचे बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 1 जा 8 और 7 15, 15 अपॉन 8 प्लस 6 4 जा 24, अब 5 ऐड करके 29 अपॉन 6। अब देखिए यहाँ फिर 8 और 6 हो गया, तो 6 का हम 8 बना नहीं सकते, तो क्या करना बोलो, बड़े का पहाड़ा बोल रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, अब देखो 6 के पहाड़ में 16 भी नहीं आता, 8 3 जा 24, तो देखो 24 आता है, 8 के पहाड़ में तो आता है, 6 के पहाड़ में भी आता है, तो इसका मतलब हमने 8 का भी 24 बनाना है और 6 का भी 24, 8 का 24 कितने से मल्टीप्लाई करके बनेगा, 8 दिया 24, तो ऊपर भी 3 ही से, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 3 जा 45 और 8 3 जा 24 प्लस, अब इसको 4 9 जा 36, 9 चौक 36 होता है ना, 3 कैरी ऑन और 4 दो 8 और 3 11 11 6 4 जा 24। अब देखिए नीचे दोनों का 24 आ गया तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, अब तो नीचे दोनों 24 के बदले एक ही 24, और इसको हम ऐड करेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 कैरी ऑन 1, अब 4 अब 5 हो गया, 1 हासिल जोड़ के 6 हो गया, और 1 का 1 ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो इसमें हम पहले 16 में देंगे तो 24 से डिवाइड 16 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सीधे पूरे में देंगे, तो हम इसको छुपा देंगे, इसको छुपाएंगे तो 2 8 जा 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 की टेबल भी 8 बार तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पहले हम 6 बार देखते हैं, 6 4 जा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दो 12 2 14 144 आ रहा है। अब देख दो अगर माइनस करके इससे ज्यादा आएगा तो तब 7 बार भाग देना पड़ेगा, ये तो फिर अंदाज से किया भाई, ठीक है ना, अब यहाँ 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1, तो इससे कम बचा तो सही है। अब हम क्या करेंगे 17 ऊपर लिखेंगे और ये 24 तो इक्वल टू हो गया 6 होल 17 अपॉन 24, 6 से ही 17/24 आंसर कर दे, तब तुम्हारे समझ में वो मेथड भी आ जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों की समझ में दूसरा मेथड भी। तो इसमें क्या करना था, हमने ये जो पूर्ण पूर्णांक है ये होल मिक्स्ड वाले इन सबको जोड़ देना है, तो 7 और 3 10 और 10 और 2 जोड़ के 12, ठीक है ना, अब इसमें चलो बीच में प्लस ही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 12। अब देखो इस सब का 12 बन रहा है क्योंकि 12 3 से भी बन रहा है, 4 से भी बन रहा है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करके 3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करके 12 बनेगा 4, और 12 को तो 12 है ही, तो इस 12 को तो अलग ही रखो, ये पूरा है तो बाद में पूरे में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब यहाँ हो गया 3 2 जा 6, 6 अपॉन 12 प्लस 4 2 जा 8, 8 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12। अब यहाँ फिर ये 12 वैसे ही रहेगा प्लस, अब ये तीनों 12 के बदले एक ही है, और ऊपर ऊपर जोड़ दो 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 15 हो, तो फिर देखो ये विषम भिन्न बन गए। विषम भिन्न कैसे बनी, क्योंकि ऊपर बड़ा है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे 15, 12 1 जा 12, अब यहाँ 3 बचा तो यहाँ हम 3 कहाँ लिखते हैं ऊपर और ये 12 नीचे, अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1, यहाँ तो 12 अलग है
अब प्लस वन मिक्स्ड वन अपॉन फोर है तो 12 में वन प्लस कर देंगे फिर तो 13 हो गया, 13 हो गया अरे वन अपॉन फोर वैसे रहेगा बस 13 सही है बेटे चाहो। फिर हम इसको करेंगे देखो ये भी 5 वाला का तो हम क्या करेंगे इसके पहले वो जोड़ेंगे जो मिक्स्ड वाले हैं तो 5 में 2 क्या 7 और 7 में 9 क्या तो 9 9 और 7 16 16 हो गया। अब प्लस कर दो बीच में 1 अपॉन 10 ये है ये कितना है प्लस 1 अपॉन 2 तो देखिए 2 से 10 बन जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करके ऊपर भी 5 अब तो यहाँ 16 हो गया प्लस ये दोनों 10 के बाद एक ही 10 रख दो ठीक है ना और यहाँ 5 बन जाए 5 हो गया यहाँ प्लस 1 यहाँ पे सीधे भी कर सकते हैं जोड़ 5 कम 5 हो गया ना एक और जोड़ना है तो यहाँ 6 हो इसको काटो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 तो यहाँ देखो ये विषम भिन्न नहीं बनी इम्प्रॉपर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 16 के साथ ऐसे मिक्स्ड हो जाएगा 16 मिक्स्ड 3/5 आंसर देखो 3 में से 3 माइनस कर दो तो कुछ भी नहीं बचा ये तो कट गए खत्म हो गए ठीक है ना तो हम क्या करेंगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग तो नीचे करेंगे ना हाँ मैं क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार मिटाना नहीं चाहता इसको तो सीधा हो गया तब 9/13 अब माइनस 5/13 हो गया क्योंकि यहाँ 3 में से 3 माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा बच्चा कुछ अब यहाँ नीचे दोनों में 13 है तो यहाँ दोनों 13 के बदले 1/13 और 9 में से 5 माइनस होता तो कितना बचता है तो ये इतना ही आंसर आएगा क्योंकि तो सम भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको भी हम इसको कैसे करेंगे 7 में से पहले सीधा 3 घटा देंगे तो कितना बचा 4 अब प्लस होगा यहाँ पे प्लस ही होगा क्योंकि 4 तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना 4 इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये 4 प्लस होगा यहाँ पे अब तब आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4 1/4 तो यहाँ 2 से 4 बन रहा है कितने से मल्टीप्लाई करके 2 से तो देखो ये इक्वल टू करके 4 हम वैसे ही रखेंगे अब प्लस करेंगे तो 2 1 2 और यहाँ 4 आ गया माइनस 1/4 तो फिर यहाँ आप देखो 4 प्लस अब 2 में 1 माइनस करो तो 1/4 अब इसके साथ जुड़ेगा तो ये 4 मिक्स्ड 1/4 हो जाए 4 से 1/4 यही तो आंसर आएगा अब इसको भी हम करेंगे तो यहाँ 6 में से 3 माइनस कर दो तो 3 तो बचा अब प्लस कर देंगे तो यहाँ 1/3 माइनस 2/9 अब 3 से 9 तो बन रहा है कितने से मल्टीप्लाई करके बन रहा है 3 से ऊपर भी हम किससे करेंगे 3 से तो यहाँ इक्वल टू 3 प्लस 3 1 3 और 3 3 9 माइनस 2/9 अब यहाँ फिर 3 प्लस हो जाएगा तो यहाँ 3 में से 2 माइनस हो गया 1 और नीचे दोनों 9 के बदले 1 तो यहाँ 3 के साथ 1/9 ऐड हो जाएगा तो 3/9 3 से 1/9 आंसर कैसे करेंगे 7 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 6 और यहाँ प्लस कर देंगे तो 5/20 है और माइनस 3/8 है अब यहाँ थोड़ा कठिन हो गया क्योंकि 8 से हमें 20 नहीं बना तो हमने क्या करना है 20 की टेबल बनानी है 21 जा 20 22 जा 40 20 दूनी 40 तो देखो 8 का भाग 40 में जाता 8 5 जा 40 होता 8 5 40 तो इसका मतलब हम 40 बनाएंगे इसका तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी तो ऊपर भी 5 से जितने से नीचे करते हैं उतने से ही ऊपर यहाँ 20 को कितने से मल्टीप्लाई करके 40 बनेगा 2 से तो यहाँ हम 6 ऐसे रखेंगे प्लस 5 2 10 upon 40 22 40 और यह माइनस 5 3 15 अपॉन 40 अब ये यहाँ उल्टा हो गया इसको तो ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ 10 में से हम 15 घटा ही नहीं सकते 10 में से 15 कैसे घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा भाई इसको हम उल्टा घटाएंगे क्या 15 में से 10 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 अब ये प्लस था लेकिन यहाँ जो है ना इसमें ये माइनस आ गया इसको मैं पोस्ट में इसलिए बंद कर रहा हूँ कि यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ उल्टा घटाया हमने
10 में से 15 नहीं जा रहा था, तो हमने 15 में से 10 घटाया, तो क्योंकि माइनस वाले में से प्लस वाला घटाया, तो माइनस क्या था ये 5 बचा ना, 5/40, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो 5 × 5, 5 × 40, तो 6 में से माइनस करना है 1/8, लेकिन ये कठिन हो गया क्योंकि हम माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या तो इसके नीचे हमें 1 मानना पड़ेगा, फिर इसका 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये देखो 8 × 48 हो गए, यहाँ कर रहा हूँ 8 × 6 = 48, अब माइनस ये वाला 1, ठीक है ना, और अपॉन दोनों 8 के बल दे 1 बचा, तो 48 में से 48 में से 1 माइनस हो गया, तो 47/8 आ गया, फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे 47, 8 × 6 = 8, 5 = 40, और यहाँ 7 बचा, तो यहाँ 7 ऊपर और 8 नीचे, तो 5/7/8 आंसर आएगा, लेकिन 5 से ही 7/8 तो आया, लेकिन ये विधि दो थोड़ा कठिन हो गई, तो जहाँ ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम माइनस वाला कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, अब पहले कम हो रहा है जिसमें से घटाना है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे, तो हमने इसको क्या करना है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, तो 27 × 20 = 140 और 5 = 145, 145/20 और माइनस 8 × 8 = 3, 11/8, अब मैंने बोला इसका 20 से हमें 8 का तो 20 नहीं बनता है, तो कितने से बनाना, क्या बनाना पड़ेगा, 20 की टेबल रहे तो 22 × 40 होता है, तो दोनों का 40 बन रहा है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको 5 से, ये ध्यान नहीं दे रहा नमन, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 और 9 और 2 × 2 और यहाँ 40, माइनस 11 × 5 = 11/55 और यहाँ 40, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, दोनों यहाँ दोनों 40 के बदले 40 आ गया, और यहाँ 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 ही बचा, यहाँ 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 बचा, और यहाँ 2 पर 2 ही बचा, अब देखो 5 से कट रहा है, 5 × 4 = 20, 5 × 20, यहाँ 3 = 35 होता, 5 × 35, फिर 5 × 40, तो क्या आ गया 47/8 आ गया, फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे 47 को, 8 × 5 = 40, यहाँ 7 बचा, तो 5/7/8, 5/7/8 आंसर आ गया, ठीक है, तो सही है, तो 11 तो अलग है भाई, 11 अलग है, इसमें कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे इसको सरल है कि 11 को अलग रखेंगे, इसको प्लस कर देंगे, अब 9/10 में से माइनस करेंगे 7/10 को, यहाँ नीचे 10 है, तो 11 प्लस 9 में से 7 माइनस हो गया, कितना बचा, 2/10 होगा, तो 2/10 देखो कट रहा है, 2 × 2 = 2, 5 × 10, तो यानी 1/5 आया ना, तो 11 में 1/5 11 के साथ जुड़ेगा, तो 11 सही 1/5 ही होगा, 11 मिक्स्ड 1/5 जी, ठीक है ना, इसमें भी देखिए, इसमें पहले 5 में से 2 माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा, 3, और यहाँ प्लस कर दो, क्योंकि 3 तो पूरा है, 7/8 माइनस ये 1/2, 2 से 8 बन रहा है, तो हम किससे कह रहे हैं, 4 × 4 इक्वल टू 3 प्लस, अब इसको सीधा घटा सकते हैं, यहाँ पे 4 × 4 हो गया, नीचे तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो गया, 2 × 4 = 8, तो दोनों 8 के बल 1 = 8 हो गया, यहाँ 7 में से 4 माइनस किया तो 3 हो गया, तो क्योंकि ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/8, सम भिन्न है कि नहीं है, तो सीधा 3 के साथ जुड़ जाएगा, तो 3 सही 3/8 हो जाएगा, 3 × 3/8, ठीक है, देखिए इसको ऐसे विधि से करो, इसको क्योंकि ये 5 के साथ यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये 5 पूरा है और यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है, तो इसके नीचे हमें 1 मानना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे इसको, ठीक है ना, 5/1 करो, अब माइनस इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदल देंगे, 13 × 3 = 39, 3 × 3 = 42,
42 अपॉन 30। अब देखो यहाँ 1 है तो इसको 13 बनाने के लिए 13 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी। तो 13 5 जा 65 अपॉन 13 1 जा 30 माइनस 42 अपॉन 30। अब इसमें से घटाइए, इसको 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 4 गया 2 और यहाँ बचा 30। अब 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, 13 1 जा 13 तेरे कम 13 यहाँ 10 बच गए। तो हम क्या करते हैं 10 ऊपर लिखते हैं और 13 नीचे लिखते हैं, तो 1 मिक्स्ड 10 अपॉन 13 आंसर, एक सही 10/13। इसको भी देखो, इसको भी हम क्या करेंगे 23 के नीचे 1 मानेंगे और इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो 15 45 और 47 47 हो रहा अपॉन 3। इसका 3 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 3 से। तो यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और यहाँ 3 आ गए माइनस 47 अपॉन 3। यहाँ दोनों 3 के बदले 1 3 लिखेंगे, इसमें से 9 में से 7 गया तो 2 और 6 में से 4 गया 2। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 22, 3 7 जा 21, 1 बचा तो यहाँ 1 अपॉन 3, तो ये 7 मिक्स्ड 1 अपॉन 3 आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, जब एक दो बार करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आपके आएगा जब घर में करेंगे।